द नाइट स्काई के बारे में बताने जा रहे हैं। नाइट मतलब होता है रात, स्काई मतलब रात के अंधेरे में जो आसमान होता है उसमें क्या है। ऐसे तो स्काई में दिन में और रात में कुछ ना कुछ दिखाई देता है, जैसे दिन के समय में आप सूरज देखते हैं, ठीक है, और रात में क्या होता है, मून और स्टार चमकता है। तो इस तरीके से स्काई अगर बोला जाएगा तो उसमें दिन और रात दोनों समय की चीजों के बारे में बोल सकते हैं, सन मून एंड स्टार्स। लेकिन जब द नाइट स्काई है यानी रात के समय में हम स्काई में क्या देखते हैं, आसमान में क्या देखते हैं, तो नाइट में हम लोग दो ही चीज देखते हैं, मून एंड स्टार्स। तो ये गिव टू एग्जांपल्स में इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि नाइट स्काई में आप लोग क्या देखते हैं, ठीक है। तो अब हम नाइट स्काई में मून और स्टार होता है, तो हम इस चैप्टर में मून और स्टार्स के बारे में ही खाली पढ़ेंगे। आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, मून। मून क्या है? द मून, व्हाट डू यू सी व्हेन यू लुक अप एट क्लियर स्काई। हम चैप्टर पे आते हैं, जब रात होती है तो हम लोग आसमान में क्या देखते हैं, यू नो व्हेन वी लुक अप एट द स्काई इट लुक्स ब्यूटीफुल। तो हम लोग आसमान में जब देखते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। व्हाट मेक्स इट ब्यूटीफुल, ये सुंदर क्यों दिखाई देता है? मून और स्टार्स की वजह से। रात में अंधेरे में जब आकाश देखते हैं तो वो तो पूरा नीला नीला काला काला टाइप का दिखाई देता है, रात में काला टाइप का हो जाता है। लेकिन उसमें क्या चमकता है जिसकी वजह से जब देखते हैं, जब क्लियर नाइट होती है तो बहुत सारे स्टार ट्विंकल करते हैं गर्मी के दिनों में, तो वो अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है कि कोई चीज एकदम बूटी बूटी जैसा दिखाई देने लगता है, सुंदर लगता है। तो मून का क्या है, अब मून टॉपिक पे आते हैं। द मून इज कूल, मून जो होता है वो बहुत ठंडा होता है। द मून इज ब्राइट, और ब्राइट लगता है, चमकीला लगता है, आसमान में चमकता हुआ। विद लिटिल लाइट, हल्की रोशनी, बहुत तेज नहीं, सन की तरह तेज रोशनी नहीं होती, हल्की लाइट होती है। इट कम्स इन द नाइट, और ये रात में आता है। द मून शाइन एट नाइट, जो मून है ये रात के समय में चमकता है। द मून इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ, अब देखिए मून जो है नियरेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के सबसे करीब का होता है। मैंने जैसे आपके घर में सबसे पड़ोस में, ऐसे तो पूरा मोहल्ला पड़ोसी होता है, लेकिन जो आपके जस्ट बगल में होता है उसको हम कहते हैं जस्ट नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट मतलब करीबी पड़ोसी, ठीक है। तो हमारा सबसे करीबी पड़ोसी कौन है? मून। नियरेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ मून। तो ह्यूमन बीइंग्स हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ गोइंग टू द मून, जो ह्यूमन बीइंग्स है, इंसान है, वो हमेशा सोचता है कि हम चांद पे जाएं, ठीक है। दिस ड्रीम कम ट्रू इन 1969, लेकिन ये सपना, जो स्वप्न हम लोग देखते हैं कि कितना सुंदर चांद है, काश हम लोग चांद पे जा पाते, तो इस ये भी सपना हम लोग का सच हुआ कब? 1969 में ये सपना सच हो गया कि हम लोग चांद पे जा सकते। कैसे सच हुआ? When three American astronauts flew to the moon, जब तीन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कहाँ गए? चांद पर गए, चांद पर जाने के लिए उड़े, ठीक है। One of them, Neil Armstrong, was the first man to step on the moon. These astronauts brought some soil gravel and photographs back from the moon. अब देखिए, तीन अमेरिकन गए थे तो सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम आता है, फर्स्ट अमेरिकन, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो मेन थे, उसने चांद पे अपना पहला कदम रखा। तीन गए थे लेकिन सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा। तो हु वाज द फर्स्ट मैन हु गोज इनटू द मून, इन द मून अगर ये बोला जाएगा तो आपको नील आर्मस्ट्रॉन्ग का ही नाम बताना है। उसके साथ साथ दो और लोग गए थे, मिकाइल कॉलिंस एंड एडविन एल्ड्रिन, ये तीनों एक साथ गए थे लेकिन स्पेसक्राफ्ट में, लेकिन सबसे पहला आदमी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, सबसे पहला कदम चांद पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था, पहला कदम ऑन द मून। दीज एस्ट्रोनॉट, जब ये एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, ये एस्ट्रोनॉट जो गए मून पे, इन्होंने वहां से क्या लेके आए? वहां से ये बहुत सारे फोटोग्राफ्स खींच खींच के लेके आए, उसके बाद क्या लेके आए, वहां की मिट्टी लेके आए, ग्रेवल लेके आए, ग्रेवल मतलब कंकड़ पॉलिथीन में भर के उसका चेक करने की कि वहां में क्या मटेरियल्स है, क्या क्या चीजें उसमें पाई जाती, वहां की मिट्टी में क्या चीज अवेलेबल है, यहाँ की मिट्टी से कैसे अंतर है, ये सब देखने के लिए, और तरह तरह के फोटोग्राफ्स खींच के लेके आए। कहां से? मून से। ये
पृथ्वी पर लेके आए ताकि उनको चेक किया जा सके। द नेक्स्ट डे देयर इज नो एयर, उन्होंने ये महसूस किया वहां जाके कि वहां पे कोई भी हवा नहीं है, एयर ही नहीं है। एयर नहीं रहेगा तो ब्रीदिंग कैसे होगा ऑन द मून? ब्रीथ माने सांस लेने के लिए हम लोग के आसपास एयर होना बहुत जरूरी है, वहां पे एयर ही नहीं था। देयर इज नो वाटर, और ना ही पानी भी था टू ड्रिंक, पीने के लिए पानी भी वहां अवेलेबल नहीं था। नो ट्रीज और फ्लावर, जब पानी नहीं रहेगा ब्रीदिंग के लिए, हवा नहीं रहेगी, एयर नहीं रहेगा, तो क्या हुआ? नो ट्रीज और फ्लावर्स, ना ही पेड़ पौधे थे ना ही फूल थे, कैन ग्रो ऑन द मून। इसलिए वहां पे ना ही कोई पेड़ पौधे बढ़ पाते थे और ना ही कोई फूल खिल पाता था। सो देयर इज नो लाइफ ऑन द मून। तो इस तरीके से देखें तो मून पर कोई भी लाइफ नहीं थी, माने कोई भी जीवन उन लोगों को दिखाई नहीं दिया। नो वन कैन सर्वाइव ऑन द मून, कोई भी वहां के एटमॉस्फेयर में सर्वाइव माने जीवित नहीं रह सकता है। कल्पना चावला, अब आते हैं कि तीन तो अमेरिकन, ये फर्स्ट आपको बताया गया, फिर इंडियन, इंडियन में अब देखिए ये बाहर के थे, अमेरिकन थे, तो फर्स्ट इंडियन जो थे वो अगर बोला जाएगा फर्स्ट इंडियन, पहला भारतीय नागरिक जो स्पेस पे मून में गया था वो थे राकेश शर्मा, ठीक है, फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट इंडियन राकेश शर्मा थे। देन अब उसमें देखिए फर्स्ट इंडियन में वो औरत भी हो सकता है, वोमेन भी हो सकती है, और जेंट्स भी हो सकता है, मेल फीमेल एनीवन हो सकता है, तो फर्स्ट इंडियन में राकेश शर्मा हो जाते हैं। अगर बोला जाएगा फर्स्ट इंडियन वुमेन, पहली भारतीय महिला, ठीक है, पहली फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जो मून पे गई थी, तो वो कल्पना चावला, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने के लिए तो कंफ्यूज करेंगे, थ्री अमेरिकन स्टूडेंट नील आर्मस्ट्रांग, मिकाइल कॉलिंस एंड एडविन एल्ब्रेक्ट, फर्स्ट इंडियन राकेश शर्मा, फर्स्ट इंडियन वुमेन, यहाँ पे वुमेन वगैरह कुछ नहीं है, तो इसमें राकेश शर्मा है। फर्स्ट इंडियन वुमेन में कल्पना चावला है, सेकंड इंडियन वुमेन, दूसरी महिला कौन थी, वो सुनीता विलियम्स थी, तो ये दोनों इंडियन थी, ठीक है। तो कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इन टू स्पेस, सी वेंट इन टू स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1997, ये कब गई थी, 1997 में गई थी मून पर, 1997 में ये गई थी। सुनीता विलियम्स अनदर इंडियन वुमेन स्टेड इन स्पेस फॉर 6 मंथ इन 2007, सुनीता विलियम जो थी वो दूसरी महिला थी जो कि 2007 में गई थी, और ये मून पर 6 महीने रहकर आई थी। देखिए ये लोग गए थे और तुरंत ही एक दिन दो दिन में वापस आ गए थे, लेकिन सेकंड इंडियन वुमेन जो थी सुनीता विलियम्स, ये 6 मंथ्स वहां पर स्टे करके आई थी, मतलब रह करके आई थी 2007 में, ठीक है। अब देखिए चांद पर हम जाने के लिए जब हम स्पेस कौन सी चीज का यूज करते हैं, तो स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस शिप है, इसका यूज किया जाता है, स्पेशल सूट, और वहां जब स्पेस क्राफ्ट में ये लोग बैठते हैं तो एक स्पेशल टाइप का सूट पहनते हैं, रिक्वायर्ड टू बी वॉन्ट टू ट्रेवल टू स्पेस, स्पेस पर जाने के लिए स्पेशल टाइप का सूट पहनते हैं, जिसको इट इज कॉल्ड स्पेस सूट, इसको कहते हैं स्पेस सूट, जो कि पूरा ऊपर से नीचे पैक रहता है, आपकी फिगर में यहाँ पे बुक में दिखाया गया, आप इसको देखेंगे और रीड करेंगे। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, स्टार्स। तो स्टार्स के बारे में आप लोग बचपन में बहुत सारी कविताएं पढ़ते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये आपको याद होगा। द नाइट स्काई हैज थाउजेंड ऑफ ट्विंकल स्टार, आप जो रात में देखते हैं तो हजारों की तादाद में जो तारे हैं वो चमकते हैं आकाश में, दिखाई देते हैं। ऑल द स्टार्स आर नॉट सिमिलर, आपने गौर किया होगा सभी स्टार जो है एक जैसे नहीं दिखते, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बहुत ज्यादा ब्राइट होता है ना। सम स्टार्स आर बिग इन साइज एज कम्पेयर टू द अदर स्टार, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं, एक दूसरे से कंपेरिजन करने में उसमें अंतर समझ में आता है। सम स्टार शाइन ब्राइटली, कुछ ज्यादा चमकीले होते हैं, वाइल अदर स्टार अपीयर डिम, और कुछ मध्यम होते हैं, हल्के चमकते हैं, ठीक है। स्टार्स हैव देयर ओन लाइट टू शाइन, स्टार्स में जो होता है सूरज की तरह चमकीला होता है, जैसे सूरज में रोशनी होती है वैसे सारे स्टार में वैसे ही है, लेकिन सन बहुत तेज चमकता है और स्टार ज्यादा तेज नहीं चमकता है, क्योंकि स्टार हम लोगों की पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है, बहुत छोटा दिखाई देता है, इसलिए उसकी रोशनी यहां तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन सभी स्टार्स में जो होता है लाइट वो
बहुत ज्यादा होती है, अपनी लाइट होती है, किसी दूसरे की लाइट नहीं होती। जैसे सन चमकता है, सन को भी स्टार ही कहा गया है। इन द नॉर्थ, अब हम आते हैं कि नॉर्थ में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है, तो नॉर्थ में एक ब्राइट स्टार होता है जो बहुत ही नॉर्थ यू विल ऑफन सी ए ब्राइट स्टार, एक बहुत चमकीला सा बड़ा सा तारा दिखाई देता है, चमकता रहता है, वो अपनी जगह हमेशा वहीं पे आपको दिखाई देगा, नॉर्थ में ही दिखाई देगा। तो उसको हम कहते हैं पोल स्टार या फिर ध्रुव तारा, उसको हम कहते हैं ब्राइट स्टार। दिस स्टार इज कॉल्ड पोल स्टार और ध्रुव तारा, ये हमेशा चमकता हुआ आपको दिखाई देता है। इसको ध्रुव तारा हिंदी में कहा जाता है और पोल स्टार कहते हैं, क्योंकि ये एक जगह स्थिर रहता है और बहुत ही चमकीला होता है। ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट हफ्ते डालेंगे। ओके, थैंक यू।